ठीक है, तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन में देख रहे थे कि टॉर्क के बारे में चर्चा हो रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे थे, उसके बाद टॉर्क को बोले थे कि टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क जो होगा वो टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एबिलिटी कितना है कि वो टर्न कर सके किसी ऑब्जेक्ट को, उसी चीज के बारे में हम लोग बोले थे कि इसको टॉर्क बोलते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सॉरी टॉर्क लग रहा हो तो हम बोलते हैं कि उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, यानी कि टॉर्क कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो जो एक्सेलरेशन के हम लोग दो कंपोनेंट्स पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, तो ये जो टॉर्क है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बढ़ाने का काम करता है अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो तो। ठीक है, यानी कि फोर्स का कुछ कंपोनेंट जो होगा उसके अलावा उसका एक्सेलरेशन बढ़ाने का काम कर रहा होगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और इसको हम यहाँ पे जो एक एंड है इस एक्सिस पे ऐसा किल से ठोके हुए हैं, यानी कि इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, यानी कि ये जो एक्सिस दिखा रहे क्रॉस किए हुए हैं उसके अबाउट ये रॉड फ्री टू रोटेट है। ठीक है, जैसे कि मान समझ सकते हो कि कोई भी रॉड या कुछ भी है हम किल से टांग के रखे हुए हैं, तो अगर हम उसको मूव कराते हैं तो उस किल के अबाउट वो घूम सकता है। गेट ही है तो उसका एक एक्सिस है, तो गेट खैर बहुत लंबा चौड़ा बॉडी हो गया, यानी कि हमको ट्रायंगुलर प्लेट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ एक रॉड की बात करें। ठीक है, ऐसा है इस एक्सिस के अबाउट, यानी जो किल दिख रहा है उसके अबाउट ये घूम सकता है। अब मान लेते हैं कि हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, लेट से कि हम यहाँ पे कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो फोर्स है यहाँ से आर दूरी पे एक्ट कर रहा है, ये आर दूरी हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो ये हमको थीटा एंगल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हम इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं कि इस एक्सिस से, यानी जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है उससे आर दूरी पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है एफ। अब इस एफ के दो दो कंपोनेंट्स हमको नजर आ रहे हैं, एक तो इधर एफ ऑफ कॉस थीटा एंड इधर एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब इन दोनों कंपोनेंट्स के देख के तुम लोग ये बताओ कि कौन सा कंपोनेंट जो होगा इस रॉड को रोटेट कर सकता है, एफ बोलो। साइन थीटा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा कभी रोटेट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हमको दो फोर्सेस के कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को घुमाना चाहते हैं तो ये एफ साइन थीटा ही है जो कि हमको रोटेट करा सकता है, यानी कि इस फोर्स का जो टर्निंग एबिलिटी हम लोग टॉर्क से डिफाइन कर रहे थे तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल के ऐसे लिखते हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट पे लेट से कि ये पॉइंट हम डॉट से दिखा रहे हैं, इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो हमको उसी मास को रोटेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम एक्सिस से दूर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम कम फोर्स में ही अपना काम चला सकते हैं, और एक्सिस के जितना पास जाएंगे उतना ही ज्यादा हमको फोर्सेस लगाना पड़ता है। इसीलिए गेट का जो हैंडल होता है सबसे आउटर एज पे होता है, जहाँ पे एक्सिस होता है जिसके अबाउट रोटेट होता है उसके आसपास में हम नहीं देते, क्योंकि जहां पे हैंडल होगा लोग वहीं पे फोर्स लगाते हैं, पुश करे या फिर पुल करे, तो जितना ज्यादा दूर होगा दूरी होगा एक्सिस से उतना ही ज्यादा हमको टॉर्क प्रोड्यूस होगा कम फोर्स में भी। तो ये जो है प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर हम आर को एक वेक्टर माने हैं, एफ को भी वेक्टर माने हैं, तो दोनों का एंगल का ऐसा एक वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसा है, तो ऑफ कोर्स हम इसको एक्सटेंड करके ये एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं, तो ये जो है एंगल बिटवीन वेक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है।
एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर। और वो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हमको दिख रहा है कि ये साइन का कंपोनेंट आ रहा है, तो यहां से हम लोग बोल देते हैं कि टॉर्क इक्वल टू जो होगा वो एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, ये होगा। एफ भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, साथ में साइन थीटा, तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको आर क्रॉस एफ लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रहे आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, डायरेक्शन मायने रखता है, ठीक है, इसलिए ये याद रखना है कि आर क्रॉस एफ है। डायरेक्शन इसका कैसे पता कर सकते हैं, कोई बताएगा? सर राइट हैंड थंब, ठीक है, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट है तो राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे, सबको आता होगा उम्मीद है। आर की तरफ हाथ रखेंगे, एफ की तरफ क्रॉस करेंगे, तो जो भी थंब का डायरेक्शन होगा वो हम हमको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा, क्लियर है? यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफिकेशन करके लिखते हैं फॉर्मूला ही, टॉर्क इक्वल टू है एफ साइन थीटा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये एफ है, लेट से कि आर वेक्टर है, ठीक है, ये एफ है, ये आर वेक्टर है, ये दोनों का बीच का एंगल थीटा है, तो आर साइन थीटा क्या होगा, तो हमको यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस आर का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर क्या होगा तो आर ऑफ कॉस थीटा और इधर होगा आर साइन थीटा, यानी कि ये कुछ नहीं बल्कि फोर्स इन टू कंपोनेंट ऑफ ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर का मल्टीपल है। ध्यान से देखो, आर साइन थीटा को अगर हम साथ साथ ले लें तो हम डायरेक्टली इसको एफ इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला सब हम लोग यूज करते रहेंगे डायरेक्टली, तो इसलिए सब लिख रहे हैं। ऑल्सो हम इस टॉर्क को ऐसे, हाँ बोलो सर, वो जो आर क्रॉस एफ सर से वो डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस एफ है या फिर और भी कोई इसका सिग्निफिकेशन? डायरेक्शन के लिए ही आर क्रॉस एफ है, बाकी मैग्नीट्यूड तो आर एफ साइन थीटा ही है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में से किसी कंपोनेंट ले सकते हैं अगर आंसर में कहना सर, दोनों में से किसी का भी कंपोनेंट ले सकते हैं किसी के अलोंग? हाँ, तो वही तो नेक्स्ट बता रहे हैं, देखो नीचे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एफ साइन थीटा को साथ रखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से कि हमारा आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इधर एक कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर इनटू आर, ये लिखा हुआ है, यस, ठीक है, तो हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, और आर क्रॉस एफ डायरेक्शन के लिए है, क्रॉस प्रोडक्ट है, बाकी हो सकता है कि जैसे कि कल शायद एग्जाम में क्वेश्चन भी था, आर वेक्टर दे रखा था और एफ वेक्टर दे रखा था, तो चूंकि हम फॉर्मूला बताए थे कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो बस क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्वेश्चन था इसलिए दिए थे, कर लिए थे सब, गलत हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ही सो याद नहीं था किसके डायरेक्शन, ठीक है, तो वही हम फॉर्मूला बेस्ड था कि आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर दे रखा था, एफ वेक्टर दे रखा था, तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम आर और एफ की बात कर रहे हैं तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, कहाँ से, तो यहाँ हम फिगर से दिख रहा है कि आर वेक्टर क्या है, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जहां पे फोर्स लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऐसे भी समझ में आ रहा है, जहां फोर्स लग रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो
एक्सिस और उस दोनों पॉइंट के बीच के दूरी को आर वेक्टर कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर है। एफ क्या है, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा एफ है। तो हम इसको सिंपल में टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, हम लोग आर एफ साइन थीटा यूज कर सकते हैं, या फिर आर एफ परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, या फिर आर परपेंडिकुलर इनटू एफ लिख सकते हैं, या फिर ये मैग्नीट्यूड के लिए सारा कुछ। डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस एफ चेक करना है। क्लियर है, सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे यूज करना। तो कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फाइंड करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस है वाला। ऐसे लेट से कि हमारा एक्सिस दे रखा है, ठीक है, नहीं कैसा भी एक रेफरेंस फ्रेम दे रखा है और कुछ नहीं, बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो है एफ वेक्टर जो है इनटू द प्लेन है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक्सिस है, सर राइट साइड होगा, राइट साइड होगा। देखो जैसे कि आर वेक्टर है तो आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, एफ वेक्टर किधर है, इनटू द प्लेन। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो पता है, क्रॉस एंड इनटू द प्लेन, और डॉट रहता है तो आउट ऑफ द प्लेन, ये पहले भी हम लोग जानते हैं, पता है ना ये। यस सर, ठीक है। तो यहां से अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करना चाहते हैं तो आर किधर की तरफ जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उधर की तरफ हम अपने राइट हैंड को पुट करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे किधर, जिधर फोर्स है, तो इनटू द प्लेन है। तो थंब किधर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। यस सर, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा, यानी कि एक्सिस से इधर। ध्यान से देखें तो R क्रॉस F है, यानी कि जो टॉर्क होगा R से भी परपेंडिकुलर होगा एंड F से भी परपेंडिकुलर ही होगा। क्या दिख रहा है, दोनों से परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले केस में शुरू सेम प्लेन पे क्या, हाँ एक ही प्लेन में, सब सेम प्लेन में। सर ऊपर मतलब वर्टिकल अपवर्ड है, यही दोनों के बीच में एंगल होगा, तो राइट हैंड yes. आर की तरफ क्रॉस करेंगे तो थंब जा रहा है ऊपर, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे तो टॉर्क हमको ये सारे चीज तो फॉर्मूला से दिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज और है कि क्या टॉर्क हमारा एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, तो एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा कि एक्सिस कहाँ है। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट तो डिपेंड करेगा, वहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, टॉर्क पता करना है,
डायरेक्शन के साथ फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ इजी इजी क्वेश्चन से। ठीक है, सारा जो ये डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। सो सेकंड क्वेश्चन है ट्रेड वाला। हाँ, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एक्सिस यहीं पे है। तो फर्स्ट का 6 न्यूटन मीटर अपवर्ड द प्लेन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऐसे जा रहा है, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा। ठीक है, ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा इसके, इसमें 37 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 10 × 1 × sin of 37। sin 37 का वैल्यू 3/5, तो 6 न्यूटन मीटर आउट ऑफ द प्लेन। वैसे ही भी बी डाउन द प्लेन कॉस ऑफ 45 डिग्री यहाँ पे हमको दिख रहा है, नहीं 90 डिग्री है ना। आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, से जीरो। जीरो, तो इस केस में तो जीरो आ जा रहा है। sin 90 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, वही हम भी सोच रहे हैं जीरो कैसे आएगा 90 डिग्री पे। यहाँ पे sin 90 1 आएगा, तो यहाँ से 10√2 ये किधर आ रहा, डाउन इनटू द प्लेन क्रॉस कर देंगे। सी टेन आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ भी 90 डिग्री है, तो sin 90 1 ही होगा, 1 × 10 कर देंगे, T4। इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो ये 37 डिग्री ही दिख रहा है, तो ये 10 sin 37 डिग्री आउट द प्लेन। इजी है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, यहाँ से हाइट पे ही है, एक वाई एक्सिस से एक्स नॉट दूरी पे एक एम मास का बॉडी है, उसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस ओरिजिन को एक्सिस मानते हुए, ये बॉडी जो है हमको कैसा मोशन करता हुआ दिख रहा होगा, पहले तो ये सोचना जरूरी है।
तो बाद में पता करेंगे, बोलो। हम इस मास को ड्रॉप करेंगे तो ऐसा नीचे की तरफ गिरेगा, जैसो ठीक है, यानी कि कुछ देर के बाद बॉडी हमको यहाँ पे आके मिल दिखेगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े होके देख रहे हैं, तो हमको ये मोशन कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन या एंगुलर एंगुलर दिख रहा है? एंगुलर यस यानी कुछ टॉर्क लग रहा है, तो वही इस ओरिजिन के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। यस से किसी किस टाइम पॉइंट टी के पे बाद, किसी टाइम टी के बाद ये हो गया। ठीक क्या कर रहे हो इसमें? किसी सर टाइम टी के लाइन बाद? हाँ, सर उसका वर्टिकल डिस्टेंस सर हाफ जी टी स्क्वायर और एक्स का कंपोनेंट लेके लाइन जोड़ के उसका परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करें। फिर यार डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर एंगल फाइंड करेंगे, उतना क्यों करना है? सिंपल से देखो, ये मास m है किसी टाइम t के बाद, लेट्स से एट टाइम t यहाँ पे ये है, ठीक। इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg। ये जो है हमारा r वेक्टर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टॉर्क को हम ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। यस सर अब इस आर का इस फोर्स पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम चेक करें, तो क्या हमको यही वाला डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर दिख रहा है? यस सर कहीं भी जाए आर परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है? एक्स नॉट। तो क्या हम यस इसको डायरेक्टली एम जी इंटू एक्स नॉट नहीं लिख सकते थे? सर लिख सकते सर ठीक है, तो पहले जैसे कि सवाल किसी को भी आता है, तो पहले वो डिस्टेंस, फिर आर का फाइंड करना, फिर एंगल, सब चीज करने के बाद भी आंसर यही आना है, ठीक है। लेकिन हम उतना क्यों करें? इसीलिए हम पहले बताए कि टॉर्क को एफ क्रॉस आर है, यानी आर एफ साइन थीटा है, लेकिन हम वेक्टर है तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, यानी कहीं फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना हमारे लिए आसान होता है, कहीं पे पोजीशन डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना आसान होता है, कभी कभी फिक्स होता है। जैसे किसी केस में आर वेक्टर और एंगल दोनों हर जगह पे चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स से, वो चेंज नहीं हो रहा। ना ही फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना ही परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। डायरेक्शन की अगर बात करें, तो आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन जाएगा। तो क्लियर है स्टार्ट टाइम पे फिर कांस्टेंट रहेगा क्या? तो टॉर्क हमेशा कांस्टेंट दिख ही रहा है कि हमेशा कांस्टेंट ही है, यस यानी को सेम टाइम में सेम एंगुलर पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा होगा, यस सर हो रहा होगा ना, खुद भी सोच देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स है? पहला, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कह रहा है सवाल कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जो है जीरो है, दिस इम्प्लाइज डेट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट कि टॉर्क नेट भी जीरो होगा। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू। सेकंड, इफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इम्प्लाइज डेट फोर्स नेट इज इक्वल टू जीरो। सपोज सो
हाँ सो फॉल्स फॉल्स। एग्जांपल कोई? सर आर जीरो ले लेंगे या फिर एंगल पर पैरेलल कर लेंगे। हाँ, और या फिर जैसे ऐसे बॉडी था, इस पे फोर्स अगर एफ लग रहा था तो हमको रोटेट होता हुआ थोड़े दिख रहा था, अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो। यस ठीक है, ये कैसा था? आज तक हम लोग जो भी मोशन पढ़े हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें एक्सेलरेशन होता था, फोर्स रहता था, बॉडी मूव कर रहा होता था। टॉर्क हमेशा क्या था? जीरो था। ठीक है, टॉर्क हमेशा क्या रहता था? जीरो। लेकिन फोर्स हमेशा जीरो रहे ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये तो कोई भी सोच सकता है। फर्स्ट वाले केस में आते हैं, एफ नेट जीरो है तो टॉर्क जीरो हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक रॉड, ठीक है यहीं पे लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसा हमारे पास स्टिक है रखा हुआ है। ठीक है, अब इस स्टिक पे हम इधर की तरफ एक फोर्स एफ लगा दी और इधर की तरफ भी एक फोर्स एफ लगा दी। इस केस में एफ नेट कितना सो जीरो है? जीरो। ये स्टिक रोटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा, यानी टॉर्क जीरो है। नो सर। नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, अगर कोई भी बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए, जैसे कि अगर हम पेन ही है या कुल्हाड़ी जिसको भी हम फेंकते हैं, हिट करते हैं, अगर वो फ्री टू रोटेट होता है तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, बता सकते हो? सेंटर ठीक है, तो हम एक रोटेट, तो ये किसके अबाउट रोटेट करेगा? अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी हम पेन ही रखा हुआ है, पेन फाइट में अगर पेन को हिट करते हैं तो गोल गोल घूमने लगता है, तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है, तो एक्सिस कौन सा होता है? तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। हम पेन या चाकू या कुल्हाड़ी चला के फेंकते हैं, गोल गोल घूमते हुए जाता है, आगे भी जाता है, तो जो गोल गोल घूमता है वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है? तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी फ्री टू रोटेट है, यानी कि हम उसको किसी भी के लिए कहीं भी उसको हम मुक करके नहीं रखे हैं, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, अगर हम रोटेशन करा रहे हैं तो। क्लियर है? यस ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ऊपर एग्जाम्पल लिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कपल। ठीक है, नहीं, अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर इस पे ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर एफ इधर एफ, तो ऐसे जब फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये कपल है। यानी किसी बॉडी पे जो फोर्स है कपल है, नेट फोर्स इस केस में जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, ये तो हमने देखा। अब इस केस में हम टॉर्क फाइंड करते हैं, लेट से दो तीन पॉइंट्स के अबाउट, ये पॉइंट ए हो गया, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट डी। ठीक है, ये डिस्टेंस एल बाई टू, ये डिस्टेंस लेट सेंटर है तो एल बाई टू, हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं कि एल डिस्टेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ नेट जो है वो तो जीरो है। ठीक है, ये तो हमको दिख रहा है। हम टॉर्क पता करते हैं, टॉर्क अबाउट ए बोलो। सर ए हाँ, पॉइंट ए के अबाउट। सर एफ आर एल ठीक है, इस फोर्स के कारण तो डिस्टेंस जीरो है, तो एफ इंटू जीरो प्लस एफ इंटू एल, यही होगा। किधर की तरफ? जिधर भी जाए, हम मैग्नीट्यूड फिलहाल फाइंड कर रहे हैं तो एफ एल। अपवर्ड ठीक है, डायरेक्शन तो फाइंड कर ही सकते हैं, तो एफ एल यही होगा। टॉर्क अबाउट बी, सर एफ एल सबको दिख रहा है। यहां से एफ एल बाई टू, दोनों का ओरिएंटेशन देखेंगे तो सेम है, तो इसलिए प्लस करेंगे एफ एल बाई टू, यानी कि एफ एल। ठीक है, दोनों से हम देख रहे हैं तो इनटू द प्लेन ही जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसके लिए भी देख रहे हैं,
इनटू द प्लेन, इसके लिए भी इनटू द प्लेन, इसलिए ओवरऑल इनटू द प्लेन ही होगा, लेकिन हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ रहा है। सी के अबाउट एफ एल, यस। डी के अबाउट सो डी पॉइंट डी, यहाँ पे थ्री एफ एल होगा। एक सेकेंड, इसके लिए अगर निकाल रहे हैं तो अप द प्लेन है प्लस एफ इंटू टू एल, ये इंटू द प्लेन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यस सर, तो ओवरऑल एफ एल इंटू द प्लेन आएगा। वेक्टर है तो एडिशन तो हमको डायरेक्शन को कंसिडर करके ही करना पड़ेगा। जो फोर्स सी पॉइंट पे लग रहा है उसके लिए फाइंड करेंगे तो अबव द प्लेन आ रहा है, जो फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा है उसके लिए कर रहे हैं तो डाउन द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन। तो ओवरऑल करेंगे तो इनटू द प्लेन ही हमारा ओवरऑल बच रहा है एफएल। अब तुम ऊपर प्लस, मोस्टली जो है आउट ऑफ द प्लेन को प्लस लेते हैं, इनटू द प्लेन को माइनस लेते हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन कन्वेंशन है जो हर जगह हमको देखने को मिलता है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को निगेटिव, ठीक है। और चीज ध्यान से देखो तो इस केस में अगर हम हाथ को रोटेट करते हैं तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, ठीक है, और इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज रोटेशन रहता है तो हम लोग निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। इस चीज को ध्यान रख सकते हो, बाकी अपने ऊपर है कि हम क्या मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, क्या सारे को हम कंसिडर किए, सब कुछ को चेक किए तो हमको एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो क्या कि अगर एफ नेट किसी बॉडी पे जीरो है, ये नहीं इम्प्लाई करता है कि टॉर्क जो है नेट जीरो हो, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई दैट कि टॉर्क नेट जीरो हो, लेकिन ये जरूर इम्प्लाई करता है, बट हम कह सकते हैं बट इम्प्लाइज दैट कि टॉर्क नेट अबाउट एनी एक्सिस विल बी सेम, ठीक है। या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, टॉर्क नेट अबाउट एनी एक्सिस विल बी क्या होगा, सेम। दिख रहा है ऊपर सब में, यानी कि अगर हम किसी भी एक एक्सिस के अबाउट जीरो कर दें तो क्या हम किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे तो जीरो ही होना चाहिए, यस, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम होने के लिए, ठीक है। कोई भी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का। हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे इस केस में सिर्फ अगर एफ नेट जीरो है तो हमारा काम हो जाता था, क्लियर है। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन रहा तो सिर्फ हम जैसे कि ऊपर जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें हमको दिख रहा है कि अगर सिर्फ टॉर्क नेट जीरो रहा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उस पर फोर्स लग रहा हो, बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम किसी और एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे होंगे, जैसा कि एमजी वाला क्वेश्चन था। तो रोटेशनल मोशन में अगर हमको इक्विलिब्रियम पता करना है तो इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि एफ नेट तो जीरो हो ही, साथ में टॉर्क नेट भी जीरो, ठीक है। इसलिए हम एंड लिख रहे हैं और नहीं, yes. ठीक है, एंड है, यानी कि बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अब एफ नेट अगर जीरो हो गया, लेट्स से कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो गया, और अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट अगर हम उसका टॉर्क जीरो देख पा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया
तो कोई सा भी एक्सिस हम चूज करेंगे, सबके अबाउट टॉर्क में क्या आना है, जीरो ही है, ठीक है। यानी कि वो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ हमको नहीं दिखेगा। तो रोटेशनल मोशन होने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, कर रहा हो इक्वल अपोजिट होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो रोटेशनल मोशन है तो नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अगर नेट टॉर्क जीरो हो गया, इसका मतलब हमको साफ साफ दिख रहा है कि हर किस कोई सा भी एक आंख बंद करके अगर हम चूज करेंगे तो जीरो है, और टॉर्क नेट किसी एक एक्सिस पे जीरो हो गया तो हर एक्सिस के लिए जीरो होगा। यानी कि हम कहीं से जाके देखे वो बॉडी रोटेट करता हुआ हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन होने का। हम लोग पहले जैसे कि न्यूटन्स लॉ पढ़े थे तो वहां फोर्सेस के बारे में सीखे थे। उसके बाद बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स जीरो था, और उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ लगाया था कि जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबका सम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि नेट फोर्स जीरो। तो टेंशन फाइंड करते थे, नॉर्मल फाइंड करते थे, तो वही चीज यहाँ भी कुछ कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, लेट से कि एक कोई सा भी रॉड है एम मास का, ठीक है, इसको हम दोनों एंड पे ऐसे दो रस्सी से बांध रखें, दोनों रस्सी का लेंथ सेम है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, सो mg by 2, ठीक है। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऊपर T लग रहा है, यहाँ पे T लग रहा है, क्या दोनों सेम लग रहा होगा? सर आइडेंटिकली तो सेम लगेगा, ठीक है। फिर भी मतलब कि अगर हम जैसा कि प्रोसेस में पढ़ते हैं कि अगर अलग अलग रस्सी हो तो अलग अलग हम मानते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस है आएगा आइडेंटिकल है तो हम कह सकते हैं कि सेम आएगा और आंसर mg/2 ही होगा, ऐसा कोई है। लेकिन अगर हम सिंपली जाएं प्रोसेस से तो अलग अलग रस्सी के लिए अलग अलग टेंशन, तो हम मान लिए T1+T2, बॉडी मूव कर रहा है नहीं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिंस एफ नेट जो है वो जीरो है, दिस इंप्लाइज डेट कि T1+T2 जो होगा वो mg के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ सेंटर पे इस पे mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब हम T1 T2 कैसे पता करें? तो नेट फोर्स जीरो है यानी कि टॉर्क अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ नहीं दिख रहा है तो जीरो ही होना चाहिए। तो लेट से कि हम इस पॉइंट को कोई पॉइंट ए मान लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट अगर हम ए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बोलो, इसका लेंथ एल ले लेते हैं। सो T1L mg L/2 माइनस T2L ना, यस सॉरी, माइनस क्यों लिखे, mg उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और T2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिखे हैं, बाकी जो हम कन्वेंशन लिखे हैं उसके हिसाब से इसको माइनस इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक। ये जीरो है तो यहां से हमको T2 दिख जा रहा है, ठीक है। अगर ये दिख रहा है तो यहां से हम इसको पुट करेंगे तो यहां से T1 भी हमको दिख रहा है mg/2, ठीक है। खैर हम यहाँ पे सिंपली कर सकते थे क्वेश्चन mg/2, लेकिन प्रोसेस सिखाना था इसलिए जैसे कि अब ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, हो गया यस।
ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन रस्सी अब दोनों एंड पे नहीं है। खुद अपना एक्सपीरियंस से बताओ पहले कि किस में, दोनों में टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा। लेट्स से इसको हम T1 बोल रहे हैं, इसमें T2 बोल रहे हैं। अलग होना चाहिए। किस में ज्यादा होना चाहिए, T1 ज्यादा होना चाहिए या T2? फिजिक्स बात की बात है, पहले एक्सपीरियंस से बात करो, फील करो कि आखिर हम ऐसे रॉड को लटकाए हैं, किस में टेंशन ज्यादा होना चाहिए। सर T2। क्योंकि T2 में ज्यादा होना चाहिए, क्यों? उसके साइड में से सेंटर ऑफ मास से ज्यादा करीब। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के करीब है तो उसमें ज्यादा फोर्स होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12/3। ठीक है, यहां पे हम जब टॉर्क लिख रहे हैं तो किसी भी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं, हम चूज ऐसा करते हैं जिससे हमारे इक्वेशंस कम लिखने पड़े। हम चाहें तो यहाँ के भी अबाउट तीनों फोर्सेस का हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? Yes. आ गया, सर टू इज इक्वल टू 3/4 mg। T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3/4 mg। 3/4। और किसी का ठीक, 3/4 नहीं है कोई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे L/4 डिस्टेंस दे दिया है, हम L/3 लिए। ठीक है, देखते हैं यहां से हम फोर्स बैलेंस करें तो यहां से, अब टॉर्क, टॉर्क हम बैलेंस कराना चाहें तो हम यहां भी करा सकते हैं, यहां भी करा सकते हैं, यहां भी करा सकते हैं, हम किस कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम चूज ऐसा करेंगे जिससे हमारा काम आसान। ठीक है, तो लेट से हम इसी पॉइंट को चूज करते हैं, इस पॉइंट ए जो बोल रहे हैं, जहां से T1 पास हो रहा है। तो टॉर्क अबाउट ए हम जानते हैं कि बॉडी रोटेट कर नहीं रहा है तो जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, mg के लिए तो -mg L/2। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनटू द प्लेन है। फिर T2 के लिए लिखेंगे तो +T2 × 2L/3, ये दोनों को जीरो के बराबर है, तो यहां से हम T2 फाइंड कर सकते हैं। T2 आ गया कितना, L से L गया, 3/4 mg। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू mg/4 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि हम जैसा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि टी टू ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा आ भी रहा है, टी वन कम आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे इस सवाल का क्वेश्चन कि कौन ज्यादा होगा। देखो यहाँ, सुने यहाँ, ज्यादा अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते, ठीक है सुनो, सेंटर ऑफ मास पे हम बैठ जाते और तब टॉर्क निकालते, तो इसको टी वन जो है क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, टी टू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखें तो टी वन हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है एंड टी टू एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये बॉडी रोटेट हो नहीं रहा है, यानी कि दोनों का टॉर्क आपस में बैलेंस्ड होगा। टी वन जो है सेंटर ऑफ मास से ज्यादा दूरी है, टी टू जो है सेंटर ऑफ मास से कम दूरी पे है, तो ऑफ कोर्स टी टू का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू टी वन। बात क्लियर है? यस हेलो, ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते थे। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, ये कैपिटल एम मास का है, यहां से एल बाई फोर पे दूसरा है, ये इसका सेंटर हो गया लेट से, और यहाँ पे एक सुंदर कन्या है बैठी हुई है, ठीक है, जिसका मास जो है स्मॉल एम है। क्लियर है? इस जो सुंदर कन्या है ये यहाँ से एल बाई थ्री दूरी पे है, ठीक है। अब टेंशन पता करना है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर ये भी कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ है क्या? क्या? नहीं, इधर वाला कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। सर एक सर टी टू इज इक्वल टू 4/3 इंटू mg/3 प्लस mg/2। ठीक है, देखते हैं क्या आता है।
यहाँ पे हम फिर से वही पॉइंट ले रहे हैं, ए पॉइंट। तो टॉर्क अबाउट ए जो होगा जीरो है, इक्विलिब्रियम में बॉडी दिख रहा है, ना रोटेट कर रहा है ना कुछ भी, तो हम जानते हैं टॉर्क जीरो ही आना है। तो इसके अबाउट टॉर्क क्या लिखेंगे, तो माइनस एम जी एल बाई थ्री प्लस एम जी एल बाई टू माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है, क्लॉकवाइज है। फिर टी टू जो है प्लस हो जाएगा, कितना डिस्टेंस हो जा रहा है, एल माइनस एल बाई फोर यानी कि थ्री एल बाई फोर, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर लो, टी टू का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है, फोर एम जी बाई नाइन प्लस फोर एम जी बाई सिक्स, ये कुछ आ रहा है। ठीक है, टी वन को फाइंड। यस सर, आगे। शुरू मास अलग अलग है ना? अच्छा, ये सही है, अलग अलग मास है। सर आगे। ठीक है, ठीक है। ये जो है ट्रायंगुलर प्लेट दे रखा है, ऐसा लटका हुआ है, इस केस में टी वन टी टू कितना होगा, मान सेम है। हो गया, सर एक सेकेंड, हो आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ कहीं होगा। सर एक सेकेंड बस। आइसोसेलस ट्रायंगल दिख रहा है, सो थ्री बाई थ्री एम जी बाई फोर बाई रूट टू टी टू इज इक्वल टू, क्या चीज, टी टू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर रूट टू एम जी। नहीं, एम जी बाई थ्री है, टी टू। हाँ टी टू, सॉरी यहाँ देखे तो हमको यही आर दिख रहा है। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, एसोसेलेस ट्रायंगल है।
यहां से सेंटर ऑफ मास जो होता है एच बाई थ्री पे होता है, क्लियर है? तो यहां से एच अगर हमको पता करना हो तो एच कितना आएगा, यहाँ पे एच जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री ए बाई फोर, रूट थ्री ए बाई टू, यही आएगा, ये आएगा ना, ये हमको दिख रहा है एक आइसोसेलस ट्रेंगल है ऐसा, ठीक है? यहां से अगर हम ये एच की बात कर रहे हैं तो ये तो साइड लेंथ है, ये ए है, अच्छा यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री बीच से एंगल बाइसेक्टर होता है, 90 डिग्री है नाइन, तो आइसोसेलस से तो ये भी 45 डिग्री होगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री पहले से दे रखा है, तो आइसोसेलस से ये दोनों एंगल 45 45, मिड पॉइंट से जाएगा ना? हाँ तो ये तो मिड पॉइंट होता है ना बाइसेक्टर ए बाई रूट टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट टू है टोटल, तो ए बाई रूट टू, ये भी ए बाई रूट टू, ये आएगा ना टू, हाँ तो यहाँ पे ए बाई रूट टू का स्क्वायर होगा, यस सर, ठीक है? तो ए बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बाई रूट टू, ये आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी को याद भी रख सकते हो कि अगर राइट एंगल आइसोसेलस ट्रेंगल हो और 90 डिग्री वाले से अगर हम हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एच का भी जो लेंथ होता है वो उसके बराबर ही आता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन में बहुत जगह यूज होता है तो हमारा टाइम बचेगा, क्लियर है? तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे से एच बाई थ्री पे है, तो ऊपर से ये अगर हम आर बोल रहे हैं, इसको हम आर बोल रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आर बराबर एच माइनस एच बाई थ्री होगा, यानी कि टू एच बाई थ्री, यानी कि कितना हो जाएगा, एच है ए बाई रूट टू, यानी रूट टू ए बाई थ्री दिख रहा है, ठीक है? तो R हमको मिल गया, एंगल 45 डिग्री है ही, तो एक इक्वेशन तो हमको मिल रहा है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हम उसी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर ले रहे हैं, तो mg इंटू आर कॉस 45 डिग्री माइनस T2 इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं T1 T2, यस सर, ठीक है? R का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पुट कर लेंगे, T2 का A के टर्म्स में कुछ आ जाएगा, cos 45 डिग्री है, यहाँ रूट टू है तो ऐसे ही कटता हुआ दिख रहा है हमको, T2 इज इक्वल टू mg बाई थ्री डायरेक्ट दिख रहा है, तुम लोग भी कोशिश करो तो दिख जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2mg बाई थ्री, आर है रूट टू ए बाई थ्री कॉस 45 डिग्री, 1 बाई रूट टू होता है, रूट टू गया, ए कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एमजी बाई थ्री टी टू दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है? तो कैलकुलेशन करते हो तो ऐसा भी करो, टाइम सेविंग होगा। ठीक है, पार्क में जाते होगे तो ऐसा देखते होगे कि एक सीसॉ शायद बोलते हैं इसको, दोनों तरफ से बच्चे लोग बैठ के उछल कूद कर रहे होते हैं, सीसॉ ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं सर? सीसॉ ही बोलते, ठीक है? मान लेते हैं दोनों तरफ दो बालक बैठे हुए हैं, इधर ए है इधर बी, ठीक है? बी जो है एज पे नहीं है, इधर कहीं बैठा हुआ है, यहां से कोई दूरी एक्स है, ये एल बाई टू पे है, यहां से एल बाई टू लेंथ है, यानी कि सेंटर पे जो है
हिंस क्या हुआ, एल का लेंथ दे रखा है 5 मीटर, मास ऑफ ए है 10 kg, मास ऑफ बी दे रखा है 15 kg। बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ बी, यानी कि एक्स फाइंड करना है, सो डेट सी सो विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। हो गया, सर एक सेकेंड आ रहा। तो एल बाई फोर है क्या? एल बाई फोर पता नहीं, आंसर तो कुछ नहीं है। तो 5/4। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नेट फोर्स तो जीरो होगा ही, यानी कि यहाँ से जो नॉर्मल मिल रहा होगा वही इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हो। चाहते तो नॉर्मल भी पूछा जा सकता था, लेकिन हमसे एक्स पूछा जा रहा है, एक्स नहीं दिया। तो नॉर्मल हम MAg+MBg से पता कर सकते हैं। खैर, तो हमको एक्स से पता करना है, तो हमारे लिए नॉर्मल क्यों फाइंड करें, हम पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क को जीरो कर देते हैं। टॉर्क अबाउट ओ जो है जीरो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। तो ओ के अबाउट अगर देखें तो mg, यानी कि ए पे जो mg लग रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, बी का जो mg है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, यानी कि MAg×L/2 जो होगा MBg×x के बराबर होगा। दोनों का टॉर्क क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को बैलेंस। तो यहां से हमको x का वैल्यू आ जाएगा, यस यानी कि 10/15 × L/2, ठीक है। क्योंकि 5/3 यानी कि L/3 आ रहा है, 5/3। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सर वो मास देखना, मास देखना सर। 10 and 15 kg। सो 15 था। यस ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है, m मास का है, उसको यूनिट स्पीड से ऐसे फेंक दिए तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए आगे कहीं जाके गिर जाएगा। हमसे पूछ रहा है टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट ओ। ओ जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है,
विल बी, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजिंग, सेकेंड डिक्रीजिंग, थर्ड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फोर्थ फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है, फिफ्थ जीरो, सिक्स्थ डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है, ज्यादा चॉइस हो गया, चार ही चॉइस रहता है, खैर फिर भी पहला के सपोर्ट में कोई है? सिक्स सिक्स वोट करना है, 1 2 3 4 5 6 छह उम्मीदवार हैं, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट के सपोर्ट में है कोई और कोई तो कुछ बोलना ही नहीं है किसी को, देखते हैं क्या होता है। लेट्स से कि ये बॉडी यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे एमजी लग रहा होगा, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हमको आर परपेंडिकुलर ही होगा, सिर्फ इंक्रीजेस, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, हमको दिख रहा है कि एफ जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, हर जगह एमजी डाउनवर्ड ही लग रहा है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा क्या है, चेंज हो रहा इंक्रीजिंग है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि टॉर्क पूरे रास्ते के दौरान इंक्रीजिंग हो। क्वेश्चन, टॉर्क आफ्टर टाइम टी इन अबव क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर वाला तो सोच लिए थे, ये तब आसान है, mg into u cos theta t into mg, ठीक है, mg into u cos theta into t, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी into टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा t टाइम के बाद कितना होगा और हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एट 3,4,2, ठीक है, फाइंड टॉर्क अबाउट 1,2,1, आर वेक्टर बताओ तुम लोग क्या होगा, अगर वो बता दिए तो आंसर कुछ भी नहीं है, आर वेक्टर सो 2i कैप 2, ठीक है, ये, हाँ ये हमारा एक्सिस हो गया और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, तो आर वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 3 - 1 2i कैप प्लस 4 - 2 2j कैप प्लस 1 k कैप, ये आ रहा है, ठीक है, और यस एफ तो हमको दिख ही रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो हमको आर क्रॉस एफ पता करना है, यस सर, ठीक है, अब डायरेक्टली करो या फिर अपना वो क्या कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मूला लगा के करो, जैसे करना है वैसे सॉल्व कर सकते, डायरेक्टली हो सकता है, बताइए ना, ठीक,
डायरेक्टली जैसे है कि यहाँ पे हमको 2i कैप + 2j कैप + k कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप + 3j कैप + k कैप है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हमको एक चीज इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है, सब पैदल वाला क्या जीरो जे ये, हाँ वो तो है ही, j i k, ठीक है, ऐसे तीन जो कि हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई को हॉरिजेंटल लिखते हैं, ऊपर जे और इधर के। तो आई क्रॉस जे जो होगा हमको प्लस के देगा, यानी कि अगर हम इधर से कुछ मिलेगा तो हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, इधर से मिलेगा तो निगेटिव के साथ, यानी कि आई जे का आंसर के होगा प्लस में, जे क्रॉस आई मिलेगा तो माइनस के, समझ सर, डेटा रहे, डिटेल ज्यादा अच्छा सर। ठीक है। ये भी हम तो इसी से करते हैं, हमको आसान लगता है, प्रैक्टिस के ऊपर है। यहाँ से देखो हम लिख के बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई आई 0, आई जे यानी कि 6, आई और जे है, आई क्रॉस जे यानी कि प्लस के होगा, लिख लिए, फिर आई के यानी कि -2j, ठीक है, आई वाला खत्म। फिर इसका हम कर रहे हैं तो 2 2 4, यानी कि हमको मिलेगा यहाँ पे -4k कैप, फिर जे जे 0 और जे के है तो +2i कैप, ये जे वाला खत्म। फिर प्लस के वाला का कर रहे हैं तो के आई है क्लॉकवाइज यानी कि 2j कैप, फिर के जे है यानी कि -3i कैप, खत्म। फिर एक सबका एक सर में आई प्लस कैप दो, -2g कैप माइनस आई के पर है ना, +2k के पर है, मेरा उल्टा है साइन। कहाँ के आई प्लस जे, के जे माइनस आई, ठीक है, यही आ रहा है -i+2k, यस ठीक है, इसको भी करोगे तो भी आसानी है, ठीक है, जिससे मेरे मन है उससे कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात, वो भी करोगे तो एक ही लाइन में आता है, आई जे के लिखेंगे, फिर 2 2 1 और ये 2 3 1 लिख के सॉल्व करते हैं, ऐसे ही ना, ठीक है, सॉल्व कर यस लेना, मैं जो मेथड यूज करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हो उसको कर लेना है, ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे पढ़ेंगे, तो अभी कुछ लैडर प्रॉब्लम आएगा कि लैडर को अगर हम लोग दीवार पे खड़ा करते हैं, उस पे चढ़ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम में रहता है, सर, ठीक है, मोमेंट ऑफ तो इनर्शिया और टॉर्क में क्या रिलेशन है? आएगा आगे, ठीक है, अभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, आगे जैसे कि हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, वैसे ही सर यहाँ पे भी टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आता है, थैंक ठीक है फिर यू सर। ठीक है।